بسم الله الرحمن الرحيم इकोनॉमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो ये स्टेट करती है कि रेजिडुअल सम ऑफ स्केयर्स RSS यानी समिशन ई स्केयर या मैट्रिक्स नोटेशन में जिसको हम ई प्राइम ई लिखते हैं इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। रेजिडुअल सम ऑफ स्केयर और पैरामीटर्स की कोई रिलेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। इसको प्रूव करते हैं। वी नो दैट ई रेजिडुअल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई हैट, वाई माइनस एक्स बीटा हैट, वाई हैट इसके बराबर या वाई माइनस एक्स। अब बीटा हैट की फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, एक्स वाई इंटू वाई। अब यहाँ हमारे पास y माइनस x, x प्राइम x इनवर्स x प्राइम y, और यहाँ से y को कॉमन लेते हैं तो आइडेंटिटी माइनस x इंटू x प्राइम x, x प्राइम y कॉमन हुआ। और ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हैट मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। सो आई माइनस एच इंटू वाई, एच के एच इज हैट मैट्रिक्स, यानी ये मैप करती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू को फिटेड वैल्यू के साथ, इसको हैट मैट्रिक्स कहते हैं। हर एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू को मैप करती है, रिस्पॉन्स करती है, कंस्पॉन्ड करती है टू फिटेड वैल्यू, इस चीज़ को एट मैट्रिक्स कहते हैं। तो एट मैट्रिक्स जो होती है, ये एच जो है, ये न सिर्फ एच इज सिमेट्रिक एंड आइडेंपोटेंट, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें इटसेल्फ, यानी उसको हम, उसका स्केयर जो होता है वो मैट्रिक्स इटसेल्फ ही होती है। सो स्केयर भी उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स सी के बराबर होते हैं, इसलिए इसको आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। और फिर उसके बाद जो आई इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स एम वाई, अब एम बी, एम इज आल्सो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, इसकी भी वही प्रॉपर्टीज हैं। सो इक्वल टू एम इंटू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन, यानी वाई रेग्रेशन की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। ई इक्वल टू एम एक्स बीटा प्लस एम एप्सिलॉन मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ जो एम एक्स है ये इक्वल ज़ीरो के बराबर है। ई इक्वल टू ज़ीरो इंटू बीटा प्लस एम, कैसे, क्योंकि एम एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी माइनस हैट मैट्रिक्स इनटू एक्स जो के बराबर है आइडेंटिटी माइनस एक्स इनटू एक्स प्राइम एक्स होल इनवर्स इनटू एक्स प्राइम इनटू एक्स।
इंटू एक्स। और अब इसको देखिए कि ये हमारे पास ये एक्स, चूँकि ये एक्स ये वाला एक्स है इसलिए इसको हम ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं। और अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस एक्स एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स होल इनवर्स इंटू एक्स ट्रांसपोज एक्स, ये देखिए ये आइडेंटिटी है, चूँकि एक्स प्राइम एक्स का इनवर्स प्री मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि एक्स माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो, सो इसलिए एम एक्स यहाँ पर हमने इसको ज़ीरो के बराबर सेट किया है। सो ई इज इक्वल टू एम एप्सिलॉन। क्या रिजल्ट हुआ? दिस शो दैट E is independent of beta or E prime E is independent of beta. Thank you very much.